उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। बीजेपी की कथित ध्रुवीकरण चाल और बढ़ते दलित प्रेम से मायावती पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। बीएसपी प्रमुख ने बीजेपी के इस एजेंडे की धार को भांपने के लिए ही पार्टी पदाधिकारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पार्टी यहां पर 1 सितंबर से अपनी टीम भेजकर ग्राउंड रिपोर्ट लेगी। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हर मंडल में 2 दिन बिताकर मौजूदा माहौल की थाह लेंगे। इसके साथ ही वह संगठन के लोगों से खुली चर्चा कर बीजेपी की रणनीति की काट के लिए खाका तैयार करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का मस्कत दलित मुस्लिम और पिछड़ों को साधने पर रहेगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा ने मेरठ में बूथ स्तर की मजबूती परखने के लिए डेरा डाला था। अब वह उत्तर प्रदेश के हर मंडल में हर जिले में 2-2 दिन रुकेंगे। उनका काम दलितों को जोड़ने के बीजेपी के लगातार प्रयास को काटने का उपाय खोजना है। पार्टी की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक कुशवाहा 1 व 2 सितंबर को आगरा मंडल में रहेंगे। इसके बाद 3 व 4 सितंबर को अलीगढ़, 6 व 7 को बरेली मंडल और 8 व 9 को मुरादाबाद मंडल के जिलों में बीजेपी की मजबूती व कमजोरी की खोज करेंगे। कुशवाहा इसके बाद 13 व 14 सितंबर को सहारनपुर मंडल तथा 15 और 16 सितंबर को मेरठ मंडल में रहेंगे। दोनों दिन बूथ और सेक्टर स्तर तक के कार्यकर्ताओं से वह वार्ता करेंगे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष इसके बाद 17 से 29 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। यहां उनका दौरा आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल का रहेगा। इसी दौरान कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट मंडल में भी वह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहां पर भी वह चुनावी तैयारियों की थाह लेंगे।